I beg to move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Senate 2012 that the requirements of Rules 25, 29, 30, 132, and 132 of the said rules be dispensed with in order to enable the House to pass a resolution regarding writing of Khatam al-Nabiyyin with the name of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the educational syllabus and official documents. It has been moved under Rule 263 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirements of Rule 25, 29, 30, 132 and 133 of the said rules be dispensed with to enable the House to pass a resolution regarding writing of Khatim al-Nabiyyin with the name of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the educational syllabus and official documents. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. Please move the resolution. Ji, Senator sir. Yeah, Mr. Chairman, ye resolution mein Leader of the House aur Barrister Senator Abbasi sahab aur Professor Sajid Peer sahab aur बाकी सेनेटर्स के तावन से पूरे हाउस की तरफ से जी हाउस की तरफ से जी करारदाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर जहां ईमान लाना जुज़ ईमान है वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के साथ आपको खातम नबीयीन मानना और इस पर ईमान रखना इस्लाम की बुनियादी अकायद में से है जिस पर कोई भी शुबा नहीं और कुरान मजीद और अहादीस मुबारका के नसूस इस चीज पर वाज़ह है और इसी पर असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक उम्मत का इजमा बिल्कुल गैर मुतज़ल्ज़ल कायम दायम है। आईन पाकिस्तान में इस अकीदे की वाज़ह तारीफ मौजूद है और इस अकीदे में जर्रा बराबर भी शक और तावील करने वाले को दायरे इस्लाम से खारिज करार दिया गया है। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का ऐलान इन आयत करीमा के साथ फरमाया है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबियीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तर्जुमा: मुसलमानों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और तमाम नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं और अल्लाह हर बात को खूब जानने वाला है। यह आयत करीमा अकीदे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना सिर्फ वाज़ह तौर पर ऐलान करती है बल्कि इस चीज की तरफ भी रहनुमाई फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के साथ खातम नबीयीन का अपने तमाम औसाफ के साथ इस्तेमाल ऐन उसी तरह मुसल्लम है जैसे इस अकीदे पर ईमान रखना। यह अकीदा इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है जहां मौजूदा दौर में इस्लाम और इस्लामी अकायद को हर जगह पर नुकसान पहुंचाने की मुसलसल कोशिशें हो रही है वहीं पर अकीदे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस्तेमारी ताकतों और उनके गुमाश्तों ने तख्ते मश्क बनाया हुआ है। इस तनाजुर में सेनेट का यह मुअज्जज ईवान मुतालिबा करता है कि हुकूमत पाकिस्तान जहां कहीं भी तालीमी निसाब और सरकारी सतह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्मे मुबारक आए वहां खातम नबीयीन लिखा और पढ़ा जाए। आई नाउ पुट द रेजोल्यूशन बिफोर द हाउस। दोज हु आर इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन में से आए। दोज अगेंस्ट द रेजोल्यूशन में से नो। आई थिंक द आईज हैव इट। द आईज हैव इट। द रेजोल्यूशन इज पास्ड यूनैनिमसली। थैंक यू। थैंक यू।